भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक इस घटना में चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं, इसमें से कई की मौतें हुई हैं तो कई घायल हुए हैं। बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटाने के लिए 6 जून को हुई सीनियर कमांडरों की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन महज 10 दिन में चीन ने धोखे से खूनी साजिश रच डाली। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान भी आया था कि दोनों देश इस मसले में आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं, लेकिन 16 तारीख आते आते बातचीत हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इसके बाद ताज़ा घटना 15 से 16 जून की दरमियानी रात की है, जिसमें चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इससे पहले मंगलवार को दोपहर एक अफसर और 2 जवानों शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई। भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर हुई हिंसक झड़प में छत्तीसगढ़ का जवान शहीद हो गया। शहीद जवान गणेश कुंजाम कांकेर जिले के ग्राम कुरुटोला का निवासी है। एडिशनल SP ने शहादत की पुष्टि की है। बता दें कि भारत चीन सीमा पर सोमवार की रात चीनी सेना के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़प हुई थी। इसमें जवान गणेश कुंजाम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। वर्ष 2011 में सेना में शामिल होने वाले शहीद गणेश कुंजाम की 1 महीने पहले ही चीन बॉर्डर पर पोस्टिंग हुई थी। मंगलवार शाम को कैंप से एक अधिकारी ने जवान के चाचा तिहारू राम कुंजाम को फोन कर बताया कि गणेश राम कुंजाम भारत चीन झड़प में घायल हो गया था, जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में हुए चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया है। कोरोना से निपटने प्रधानमंत्री मोदी की आज 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री ने बैठक की शुरुआत चीन सीमा पर हुए खूनी झड़प में भारतीय जवानों की शहादत को सलाम कर की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, किसी को भी भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भारत को उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है, लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प पर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में भारत चीन के बीच हुई सीमा विवाद पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की ओर से बुधवार को किए गए ट्वीट में कहा गया, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। जैसा कि सुशांत के सुसाइड के लिए कई लोग कुछ सेलेब्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसकी वजह से एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने बॉलीवुड के 4 बड़े सेलिब्रिटीज के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस केस में करण जौहर, संजय लीला भंसाली, सलमान खान, एकता कपूर समेत सुशांत के सुसाइड से जुड़े 4 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। ये केस बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये केस IPC की धारा 306, 109, 504 और 506 के तहत दर्ज कराया गया है। सुशांत के सुसाइड के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग ट्रोल किए जा रहे हैं, जिसमें करण जौहर का नाम सबसे ऊपर है। हालांकि अभी तक सुशांत की खुदकुशी करने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में आयोजित वन विभाग की बैठक में राज्य के ग्रामीण वनवासियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ के राष्ट्रकृत वनोपजों को छोड़कर अन्य लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र TP पास लेने की अनिवार्यता खत्म करने का अहम निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वन्य प्राणियों के उपचार के लिए 2 अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल विकसित करने, मैदानी अमलों पर नियंत्रण के लिए वन विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप तैयार करने सहित अनेक मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। राज्य में लघु वनोपजों के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र समाप्त होने से परिवहन से जुड़े व्यापारियों को विक्रय के लिए लघु वनोपज एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित विभाग के वरिष्ठ आला अधिकारी उपस्थित थे।